हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज की अब इस वीडियो में पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर माय 3K सब गाइस। ठीक है, और जितने भी आपको देखते हो मेरे को 3K दिख रहे हैं अभी तक मेरे चैनल पे। ठीक है, तो मैंने 3K के लिए आपको थैंक यू सो मच बोल दिया सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं मेरा जो सेटअप पूरा लोकल सस्ता सेटअप पूरा वो मेरा कैसा है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज़ सारे सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक एक चीज़। अभी थोड़ा मज़ा आने वाला है, देखते चलो आप सस्ता सेटअप कैसा होता है 200-300 रुपये में बिना 15,000 का एलगाडो खरीदे। आ जाओ, तो अभी चलते हैं सीधा अपन कहाँ पे, अपने कहाँ पे चलना है भाई, जहाँ जाना है वहीं चलना है। हाँ, टेबल पे चलो चुपचाप मज़े से। टेबल पे क्या करने वाले, टेबल पे अपन वही करेंगे जो अपने को देखना है। जैसे मेरा पीसी हुआ, पीसी में कौन कौन से केबल कैसे कैसे कनेक्ट होनी है, वो सारी चीज़ें, कौन कौन सा आइटम होता है वो सारी चीज़ें। आ जाओ, तो सब चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा चेंचाचू नहीं करने का, और करना हो तो कर लेना, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, वैसे भी कोई कुछ करता नहीं। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट, आ जाओ बिना देरी के, चलो। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो ये रहा सामने मेरा पीसी। ठीक है, जो कि है मेरा सैमसंग कंपनी का। ठीक है, उसी के साथ ये मेरा कैमरा है, पता नहीं ये कौन सी कंपनी का है, मामा का है बस। ये कीबोर्ड है, ये भी मामा का है। मोबाइल है, ये मामी का था, मामी नए ले लिया। इसकी डिस्प्ले उखड़ गई थी, इस चक्कर में ये पड़ा है, मतलब एक्स्ट्रा था घर में जिसमें मैं चैट पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ये माउस है, माउस का HP का है। ठीक है, और उसके बाद ये देखो इसमें उजाला आ गया, थोड़ा थोड़ा स्क्रीन जल गई वो मेरे पास। आ जाओ, अब सिखाता हूँ मैं आपको कैसे, मीन्स जो आपकी पीसी में मिरर करनी है। ठीक है, वो चीज़ बताता हूँ कि आप अपने पीसी में मिरर कैसे कर पाओगे चीज़ें। तो सबसे पहले उसके लिए आपको चीज़ चाहिए होगी, एक चाहिए होगा कन्वर्टर। ठीक है, ऐसा एक कन्वर्टर आता है, मीन्स ये तो मतलब मेरा था कुछ, मैंने बना कुछ दिया। ठीक है, मैं आपको उसकी इमेज बता दूंगा, आप इमेज से ख़रीद लें। और आपका अगर आपको वो ना मिले, और अगर आप भी मेरे जैसा गलत लेके आ जाओ, तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको उसकी ट्रिक बता दूंगा उसे सही करने का। ठीक है, ये मेरा क्या था, ये पहले आया था कि ये 4 पिन में से माइक अलग कर देगा और ऑडियो अलग कर देगा, पर मुझे ऐसा चाहिए था दोनों में ऑडियो जाए अपनी। ठीक है, जिसमें एक अपने हेडफोन में आती है और एक अपने पीसी में जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ये गई पीसी में, तो ये पीसी वाली को आपको लगा देना है। ये लगती है 3.5 mm का जैक लगेगा, जो कि डुअल ऑक्स केबल बोलते हैं जिसे। ठीक है, उसे आपको अपने उसमें लगा लेना है, ईयरफोन वाले में। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली माइक ले लेगा। और उसके बाद यहाँ देख, यहाँ बता दूँ, ये लगेगा एक कार्ड, साउंड कार्ड बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये अगर आपके पास हो साउंड कार्ड, आप ख़रीद लेना, ये कोई भी कंपनी का। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वैसा ऐसा मत सोचना, अगर आपको लोकल में मिल जाए ना, ये मेरे को मिला था 120 रुपीज़ का। ठीक है गाइस, इसलिए आप देख लेना लोकल मार्केट में, ऑनलाइन तो अमेज़ोन पे महंगा ही आता है ये। ठीक है, और ये भी आप बता रहा हूँ ना, ये स्प्लिटर, इसकी भी इमेज है। ठीक है, इमेज देख लेना, वो इमेज के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ये रही इमेज। तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, पर ये मेरा था कुछ। ठीक है गाइस, और उसके बाद आता है, हाँ उसके बाद आपको चाहिए पड़े क्या, आपकी जो डाटा केबल है मोबाइल वाली, वो ले लेना। आप उसमें माइक्रो USB ले सकते हो, सी टाइप ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप एप्पल वाले हो, तो एप्पल वालों के लिए कुछ नहीं होता, डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, मस्त मस्त वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो तुम यार, वो कुछ स्टाम्प चाम्प पता नहीं, स्टिंग कोई सा ऐप रहता है उससे, मीन्स उनके उनके मोबाइल में तो ऐसा रहता है ना, ऑडियो वीडियो दोनों एक साथ हो जाती है। मैंने मीन्स गेमर को भी आएगी और स्ट्रीम पे भी आएगी। ठीक, तो वो डायरेक्ट ऐप से यूज़ कर लें, या फिर एलगाडो ख़रीद लें, वो नहीं लिए मस्त पड़ता है एलगाडो। ठीक है, आप बताता हूँ सेटअप, सेटअप में क्या करना है। तो ये आ गई आपके पास साउंड आ गया। ठीक गाइस, तो ये आ गया आपका गेम साउंड, तो ये लगा देता हूँ मैं मेरा मोबाइल यहाँ पे। ठीक है, ये लगा दिया मैंने मेरा मोबाइल, इंसर्ट कर दूँ, एक मिनट रुकना गाइस, ये कर दिया मैंने मेरे मोबाइल में इंसर्ट, ये हो गया इंसर्ट। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ये गई मेरी गेम ऑडियो, मीन्स यहाँ चल रहा है अपना पबजी, पबजी से एक गई ये ऑडियो जो कि गई मेरे हेडफोन में। ठीक है, ये रहा मेरे लोकल से हेडफोन, ये देख सकते हो, ये रहा मेरे हेडफोन, ये ब्लैक वाली गई हेडफोन में, ये रेड वाली गई मेरे पीसी में, जो कि सुनाई आएगी आप लोगों को। ठीक है, वो चलती है OBS से, आपको OBS भी खोल के दिखा दूँ, ये पड़ा OBS। ठीक है, ये रहा OBS, तो यहाँ से आप स्ट्रीम कर सकते हो। दिस इज़ द सॉफ्टवेयर, ये बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर होता है, मीन्स हल्का फुल्का लो एंड डिवाइस के लिए। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा हैवी जाना चाहते हो, तो
तो आप एक स्टीम लैब है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आता है ये वीमिक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर, जो कि एज अ टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उसमें यूज़ होता है। तो मैं भी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसको आगे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। वो मस्त होता है थोड़ा। और उसके बाद बता दूँ, उसके बाद लेना है आपको एक साउंड कार्ड, ठीक है। साउंड कार्ड यूएसबी वाला रहेगा, इसे लगाओ यूएसबी में। उसके बाद आपको इसमें देखने को मिल जाएगा माइक और हेडफोन। तो आपको माइक वाले में क्या लगा लेना है, अपना माइक कौन सा माइक लगा लेना है, जो भी आपका रहेगा। जैसे कि मीन्स गेम साउंड, आपको जो बात करना है ना, चैटिंग स्ट्रीम पे चैट करना है, मीन्स आपकी ऑडियो जनता तक जाए, उसके लिए आप माइक कनेक्ट कर लेना। तो उसके लिए आप अपना एक्स्ट्रा माइक यूज़ कर सकते हो, या फिर जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं माइक यूज़ करता हूँ बोया का, जो कि 700-800 रुपये वाला है, ठीक है, वो यूज़ करता हूँ, उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। और या एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, तो ये देख रहे हो ना ये जुगाड़ डिब्बी, ये क्या है, ये इसमें है ना 3 पिन लगेगा। जैसा ये ऑक्स केबल आती है ना, एसी पिन इसमें कनेक्ट होती है, ठीक है। जो 4 पिन आती है ना, जो अपने मोबाइल में लगती है, वैसी नहीं लगता इसमें, वैसे वाले हेडफोन इसमें कनेक्ट नहीं होते, जो 3 पिन वाले होते हैं ना वो इसमें कनेक्ट होंगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखें गाइस। तो उसके लिए मैंने बनाई ये जुगाड़, जिसमें मैं 4 पिन को 3 पिन में कन्वर्ट करके इसमें डायरेक्ट डाल देता हूँ। ओके गाइस, ये था अपना छोटा मोटा सेटअप कनेक्शन। और आपको बार बार रिवाइंड कर करके देख लेना फिर से, या एक बार लास्ट टाइम बता देता हूँ। आपको चाहिए एक स्प्लिटर, ठीक है। स्प्लिटर में से आपको 2 ऑडियो आएंगी, जो कि आपकी रही कायम है, एक सीधा कंप्यूटर में जाएगी और एक आपके हेडफोन में जाएगी। आप पूछोगे भैया गेम में मोबाइल में माइक वगैरह, तो माइक ऐसा रहता है, अगर आप यहाँ 3 पिन लगा दोगे ना, मीन्स अगर आपको ऑडियो ऑडियो लेना है, तो मोबाइल आपका ये ले लेगा, मीन्स आपका जो गेम माइक यूज़ करेगा वो आपका मोबाइल का रहेगा, ठीक है। तो अब आपको चाहिए बाहर वाला माइक, जो कि होगा आपका स्ट्रीम पे। उसके बाद आता है कि आप स्क्रीन शेयर कैसे करोगे, ठीक है। स्क्रीन शेयर के लिए आपको बता दूं, मेरे पास है एक स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, जो कि मैं डाल दूंगा। अगर आप ए पावर मिरर उससे करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये सिंपल लगता है। ये एक स्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है, ये वाली देख सकते हो, ये एक स्क्रिप्ट फाइल है, ये मैं आपको डाल दूंगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले वो स्क्रिप्ट फाइल को अनजिप कर लेना है, ठीक है। अनजिप करने के बाद सबसे पहले ये ADB रन कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप स्क्रिप्ट .exe रन करोगे, ठीक है, अभी मेरा कोई भी मोबाइल कनेक्ट नहीं, जैसे मोबाइल को से कनेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा वो स्क्रीन, ठीक है। जैसे कि 1 मिनट रुको अभी। सो देखो मैंने अब इसमें कर दिया, मेरे इसी मोबाइल का मिरर, ठीक है। अब मैं मिरर कैसे करता हूँ, मीन्स ऐसे कर देना आपको यूएसबी से कनेक्ट डायरेक्ट। और उसके लिए आपको अपनी सेटिंग में जाना है, वहाँ डिबगिंग मोड ऑन कर लेना है। तो डिबगिंग मोड क्या हो जाएगा, और उसके बाद डायरेक्ट आपको आ जाना है इस बाय, इसे ऑन कर लेना है, ठीक है। केबल लगा, केबल लगाने के बाद स्क्रिप्ट फाइल को ओपन कर देना है, ऐसे देख रहे हो, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। और इसको आपको ऐसे करके डायरेक्ट फुल स्क्रीन कर देना है। तो ये फुल स्क्रीन हो गई गाइस, ठीक है। अब और क्या करूँ, और तुम्हारे, ठीक है, ये ऐसे ले ही रहा, मस्त स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो ही रही, चल रही झक्कास भाई। और कुछ गाइस देख सकते हो कितना तगड़ा, 0 लेटेंसी पे देता है। अगर आपका पीसी लो एंड है ना, तो भी वो 0 दे देता है, ठीक है। मेरा भी ये 0 दे जाए, क्वालिटी भी अच्छी खास दे देता है, 30 से 60 FPS ये ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है गाइस। और बताऊँ मेरे पीसी के बारे में भी बता देता हूँ आपको, नहीं तो बोलोगे भाई तूने तेरे पीसी के बारे में बताया। तो मैं गया यहाँ पे माय पीसी लिखूँगा, माय पीसी कहाँ है, दिस पीसी, सॉरी, अब वो आदत हो गई उसकी पुरानी, विंडो 7-8 चला है, ठीक है। तो आपको बता दूँ मेरा है i5 है, ठीक है, 3rd जनरेशन, बहुत पुराना है, 2.6 GHz का, और 4 GB रैम है, जिसमें से 3.9 अनयूज्ड है, ठीक है। अभी 10 GB गाइस, 4 GB में आप तुम सोचोगे अभी मैं कुछ चला नहीं रहा, इसलिए अनयूज दिख रही है। तो इसमें ग्राफिक कार्ड की बात करें, इसमें कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है, ओनली प्रोसेसर के दम पे, मीन्स जो CPU है ना उसी के दम पे ये इतना तगड़ा चलता है। तो ये थी अपनी सेटअप टूर, अगर आपको थोड़ा ही मज़ा आया हो ना, दम लगी हो ना, तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम ज़रूर पूछें, मैं आपकी प्रॉब्लम दे दूँ। क्योंकि अपन वैसे भी टेक थे पहले, अपना जो चैनल का नाम था ना, वो अपन ने यही रखा था हनी टेक्निकल, पर फिर बाद में अपन ने ट्रांसफ़र कर दिया उसे, जब से मैं यहाँ आया पुणे में, उसे गेमिंग को कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि फिर यार टेक का बचा नहीं था, टेक के कुंटल खुल गए थे। अपन भविष्य में फिर खोल लेंगे टेक, अपना क्या जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कनेक्शन दिक्कत आ रही है तो बता दें, मैं वैसे भी एक PDF बना के या कुछ इमेज का बना के कनेक्शन का वो डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको वो मिल जाएगी नीचे नीचे, ओके गाइस, तब तक के लिए
बाय टाटा। बस लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट करके बता देना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो। नहीं आ रही हो तो मजे करो। बाय बाय टाटा।